दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि वंदे भारत ट्रेन एक ऐसी ट्रेन है जिसको 160 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलाया जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हो कि इंडियन रेलवे के द्वारा 4 जून से एक नए मिशन के ऊपर काम करना शुरू कर दिया गया है, क्योंकि 4 जून के दिन हमें लोकसभा के चुनाव के नतीजे देखने को मिले थे और नतीजों के अकॉर्डिंग एनडीए की गवर्नमेंट तीसरी बार हमें भारत में बनती हुई दिखाई दे रही है। इसी कारण दोस्तों 4 जून के दिन एक आने वाली नई वंदे भारत ट्रेन को लेकर काफी बड़ी अनाउंसमेंट की गई है और इस नई वाली वंदे भारत ट्रेन की जो स्पीड है वो हमें 250 किलोमीटर पर आवर देखने को मिलने वाली है। बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से 4 जून के दिन इंटीग्रल कोच फैक्ट्री को बोला गया है कि दो हाई स्पीड ट्रेन को काफी जल्दी रेडी किया जाए। और दोस्तों, ये दोनों जो हाई स्पीड ट्रेन है इनकी बॉडी स्टील की होने वाली है, यानी कि इन दोनों हाई स्पीड ट्रेन को स्टील की बॉडी से बनाया जाएगा। और ऐसा बताया जा रहा है कि इन दोनों ट्रेनों की जो टॉप स्पीड है वो 250 किलोमीटर पर आवर होने वाली है, लेकिन इन दोनों ट्रेनों को 220 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से पटरी पर चलाया जाएगा। और इन दोनों हाई स्पीड ट्रेनों को इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के द्वारा स्टैंडर्ड गेज पर बनाया जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज में इस्तेमाल होने वाली जो भी हाई स्पीड ट्रेन्स है उन सभी हाई स्पीड ट्रेन्स को स्टैंडर्ड गेज पर ही बनाया जाता है। इसी कारण इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के द्वारा बनाए जाने वाली इन दोनों हाई स्पीड ट्रेन को भी स्टैंडर्ड गेज पर ही बनाया जाएगा। और क्योंकि इन ट्रेनों को स्टैंडर्ड गेज पर बनाया जाएगा तो आगे जाके इंडिया के द्वारा इन ट्रेनों को दूसरी कंट्री को भी एक्सपोर्ट किया जा सकता है। इसके अलावा ऐसा बताया जा रहा है कि इस 250 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन में आपको टोटल 8 डब्बे यानी कि 8 कोच देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, सवाल ये होता है कि जब ये हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन बनकर रेडी हो जाएगी तो फिर इनको टेस्ट किन ट्रैक पर किया जाएगा? यानी कि दोस्तों, इंडिया के अंदर फिलहाल कोई भी ऐसा रेलवे ट्रैक यानी कि पटरियां अवेलेबल नहीं है जिन पर ट्रेनों को 250 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पर चलाकर टेस्ट किया जा सके। इसी कारण ऐसा बताया जा रहा है कि पिछले साल से ही राजस्थान में स्टैंडर्ड गेज ट्रेनों की टेस्टिंग के लिए टेस्ट ट्रैक को डेवलप किया जा रहा है और राजस्थान में बनाया जा रहा है। इस टेस्ट ट्रैक पर 200 से लेकर 250 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पर ट्रेनों को चलाकर इजीली टेस्ट किया जा सकता है। और इसी कारण अब भारत में बनाए जाने वाली ट्रेनों को टेस्ट करने के लिए दूसरी कंट्री में भेजने के बजाय अब भारत के अंदर ही राजस्थान में बनाए जाने वाले टेस्ट ट्रैक पर टेस्ट किया जा सकेगा। तो वेल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।